नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोग्राफिकल मोटिवेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन का मुद्दा पर, क्योंकि 2 सप्ताह से ये लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसका इतिहास और भूगोल क्या है और इसका कारण क्या है इस लड़ाई का। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं। सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश था। यह रूस में एक गृह युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, जो 1917 से 1921 तक चला। सोवियत संघ ने एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया और कोल्ड वार के दौरान संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिस्पर्धा की, जिसने कई क्षणों में दुनिया को एक परमाणु युद्ध का कगार पर खड़ा कर दिया। सोवियत संघ का पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या USSR भी कहते हैं। सोवियत शब्द यानी श्रमिक परिषदों के नाम से आता है और इसके लाल झंडे पर हथौड़ा और दरांती प्रतीकात्मक रूप से देश के श्रमिकों के श्रम का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत बड़ा था और आज भी उसका प्रभाव है। USSR की स्थापना के बाद के दशकों में कम्युनिस्ट सरकारें उभरी, जो अभी चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित अन्य देशों में मौजूद है, जबकि रूस अब कम्युनिस्ट नहीं है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के पतन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही मानते हैं। वर्तमान में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना जाता है। बात करें इसकी इतिहास की, तो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला देश रूस पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का प्रमुख गणराज्य था। इसे आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। 1917 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद रूसी गणराज्य की स्थापना हुई और 1922 में यह एक यूनियन रिपब्लिक बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोल्ड वार में शामिल रहा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कई अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ जैसा एक हल्का गठबंधन बनाने के लिए शामिल हो गया। सोवियत शैली के कम्युनिज्म के पतन और सोवियत संघ के बाद के पतन ने एक बड़े मध्य वर्ग के गठन की शुरुआत की। अधिकांश उत्तर कम्युनिस्ट युग के लिए रूसियों को आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्था को सहना पड़ा। रूस में उच्च मुद्रा स्फीति, सामाजिक बुराइयों के एक समूह ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर दिया। इसी तरह की गंभीर समस्याओं के बावजूद रूस ने एक बार फिर विश्व शक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल कर विश्व को दिखा दिया है कि रूस कभी भी उतना मजबूत नहीं जैसा दिखता है और उतना कमजोर भी नहीं जितना दिखता है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित देश रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। पोलैंड, लिथुआनिया और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा लगातार वर्चस्व की लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेन पूरी तरह से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र हो पाया। यूक्रेन ने 1918 से 1920 में स्वतंत्रता की एक संक्षिप्त अवधि का अनुभव किया था, लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का शासन था और उसके बाद यूक्रेन यूक्रेनी सोवियत समाजवादी के रूप में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था की सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंगों के रूप में विकसित किया गया था। सोवियत संघ के निवेश कोष का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करते हुए और कम निर्धारित मूल्यों के साथ माल का अधिक अनुपात का उत्पादन करते हुए यूक्रेन औद्योगिक का एक बड़े हिस्सा का उत्पादन करने में सक्षम था। विशेष रूप से सोवियत अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र इसकी राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा, सोवियत संघ के अन्य हिस्सों विशेष रूप से रूस और कजाकिस्तान के आर्थिक विकास को वित्त पोषित करने में मदद करता है। दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे कि रूस और यूक्रेन का विवाद क्या है, यानी कि इसका कारण क्या है इस लड़ाई का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 1991 में जब डिवाइड हुआ था तो उसमें 15 काउंट्री बना था, उसमें से एक यूक्रेन भी है। और इसका रीजन क्या है कि नाटो यूरोपियन संस्था है। नाटो यह क्या है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 यूरोपियन कंट्री है। आप ये सोच लीजिए कि उनका एक स्लोगन है, अगर एक भी किसी कंट्री को आप मारोगे तो हम 300 मिलकर आपको मारेंगे। या मतलब कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति स्टैंड लेना या एक दूसरे के प्रति खड़े रहना। तो दोस्तों ये है नाटो, और यूक्रेन में गैस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो यूरोपियन कंट्री चाहता है कि हम उसे क्या करें कि नाटो का हिस्सा बना लें और उसके चीजों को बखूबी इस्तेमाल करें। और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, बिकॉज अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बनता है तो वो सभी कंट्री मिलकर बहुत भारी पड़ जाएंगे, इसलिए रूस से लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, जो कि 2013 और 14 में रूस ने उसे कब्जा कर लिया था। तो रूस पहले G8 में शामिल था, G8 में 8 कंट्री आता है, जो कि उसमें क्या है कि रूस पहले शामिल था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद अमेरिका ये सब मिलकर उसे क्या किया कि वहां से G8 से निकाल दिया और G7 हो गया। यूक्रेन में दो जगह है जहां पे डोनेस्क और लुनास्क बोलते हैं, जो कि उसे डोनवास कहा जाता है। तो वहां के लोगों ने चाहते हैं कि वो रूस में आ जाए, और रूस ने उस पे कब्जा कर लिया और क्रीमिया पे कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए नाटो से ही जुड़ी हुई है इसकी लड़ाई का रीजन, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को यह समझना चाहिए था कि उन्हें पूरी तरह से रूस को साथ मिलकर उन्हें अपने देश को विकसित करना चाहिए था, न कि उनके अगेंस्ट जाने का। और आज के डेट में उन्हें बचाने के लिए कोई कंट्री नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि यह चीज़ें रूस और यूक्रेन का मुद्दा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, देखते रहिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन।